वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने जमाने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। सर, आप पुराने नोट और सिक्के खरीदते हैं तो आपका नाम क्या? नाम जानना चाहता हूँ। राजेश नंदन। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बॉम्बे। सर, आप ये पुराने नोट और सिक्के कितने दिन से खरीद रहे हो? लगभग 15 साल हो गया। सर, आप कौन से नोट और कौन से सिक्के खरीदते हैं, हमें थोड़ा बता सकते हैं? ऐसे तो मेरा स्पेशलाइजेशन तो फॉरेन का ही रहता है, लेकिन ज्यादा करके मैं सभी काम करता हूँ, इंडिया का भी और ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया नोट। सर, आज से 10 साल बाद इन नोट्स और कॉइन्स की क्या वैल्यू हो सकती है, आप क्या बता पाओगे, जरा बताइए। देखिए, जैसे अवेयरनेस अभी है इंडिया में कॉइन्स के बारे में, मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद तो ये मार्केट फेल कर देगा हांगकांग, लंदन वगैरह को भी। और मेरा ये मानना है कि जो अपने भारतीय कॉइन्स हैं, भारतीय सिक्के हैं, वो आदमी फॉरेन में ना बेच के, विदेश में ना बेच के, यहीं अपने देश में ही, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनको ही दें। तो लेकिन क्या है कि कुछ लोग ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए ये कॉइन्स बाहर फॉरेन में भेज देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। ओके सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब मैं एग्जीबिशन के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर सारी चीज़ें देखता हूँ कि वहाँ पर कौन से नोट और कौन से सिक्के नीलामी के लिए रखे गए हैं, क्या प्राइस चल रही है, ये सारी चीज़ें तो मैं एग्जीबिशन के अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब मैं एग्जीबिशन के अंदर जाता हूँ, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए गाइज, अब चलते हैं इस मुंबई कॉइन एग्जीबिशन के अंदर। इस कॉइन एग्जीबिशन में अंदर चलकर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन से नोट और कौन से कॉइन्स नीलामी के लिए रखे गए, कितने लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, यहाँ पर लग भी रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लोग आए हुए हैं, नोट्स और कॉइन्स बेच भी रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं, बाहर यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कॉइन्स पड़े हैं। नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग शॉप लगी हुई है छोटी छोटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डीलर हैं, बायर हैं, जो बैठे हैं, यहाँ पर अलग अलग जो रेयर होता है ना कॉइन्स, वो यहाँ पर बिकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कौन से नोट और कौन से सिक्के बिक रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों के पास में श्री माता बेचने वाला कॉइन है, या फिर 5 रुपए वाले कॉइन्स हैं, या फिर 1 रुपए वाला जो पैसे आते हैं उसमें कॉइन है, 2 पैसे हैं, 5 पैसे हैं, 3 पैसे हैं, और साथ में दोस्तों जो रेयर कॉइन है, इंदिरा गांधी वाला हुआ, जवाहरलाल नेहरू वाला हुआ, वो भी यहाँ पर बिक जाएगा। मैंने पूछा है मैनेजर से, तो मैनेजर ने बोला हाँ यहाँ पर आप बेच सकते हैं। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस एग्जीबिशन की यहाँ पर आप घर बैठे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे यहाँ पर पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर बैठे यहाँ पर आपके पास में कोई अद्भुत चीज़ है वो भी यहाँ पर बेच सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें भी बिकती है ओल्ड कॉइन्स के अलावा, ऐसी चीज़ें भी अगर आप लोगों के पास में, वो भी यहाँ पर आप बेच सकते हैं और बदले में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। गाइस, आपके पास में ऐसे कोई रेयर सिक्का हो गया, जैसे ब्रिटिश इंडिया कॉइन हो गया, या फिर किसी गॉड्स की तस्वीर बनी होती है, वो वाले कॉइन्स भी यहाँ पर बिक जाएंगे, बहुत सारे लोग बेच भी रहे हैं। साथ में आपके पास में ट्रैक्टर वाला नोट है, वो भी इस एग्जीबिशन में बिक जाएगा। 5 रुपए वाले नोट्स आते हैं, साथ में 9 वाला नोट हुआ, 500 और 1000 रुपए वाले नोट हुए जो मोदी सरकार ने 2016 में बैन किए थे, वो वाले यहाँ पर बिक जाएंगे, बहुत अच्छी कीमत में यहाँ पर बिक रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आकर बेच सकते हैं। आप अगर घर बैठे बेचना चाहते हैं, आपने कलेक्शन किया है सिक्कों का और घर बैठे बेचकर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो में बने रही, हम आपको घर बैठे आप कैसे हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहां पर इस मुंबई कॉइन एग्जीबिशन में आप कैसे बेच सकते हैं, पूरी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बने रही वीडियो में। यहां पर आपके पास में 2 कॉइन्स भी हैं तो भी बिक जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं भी बेच रही है। ये एग्जीबिशन दोस्तों, ये मुंबई में एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये एग्जीबिशन पूरे 6 महीने चलेगा। तो दोस्तों, नॉर्मल एग्जीबिशन होता है वो 3 या फिर 4 दिन ही चलता है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये एग्जीबिशन पूरे 6 महीने के लिए चलेगा। तो यहाँ पर आपको कैसे भेजना है, कौन से नोट और कौन से सिक्के अभी हम आपको बताएंगे, वो ही भेजना है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक वीडियो आपको देखना होगा, हम आपको इस वीडियो में जो सिक्के और जो नोट दिखाने जा रहे हैं वो आपको अभी भेजना होगा। कैसे भेजना है, कैसे यहाँ पर संपर्क करना है, पूरी जानकारी दे रहे हैं, आप बने रहिए वीडियो। अब गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जो आप ये कॉइन्स देख रहे हैं, ये 1 रुपीज का कॉइन है, गेहूं की बालियों वाला कॉइन। इसके दोनों साइड में आपको गेहूं की बालियां देखने को मिलेगी। ये सिक्का 1979 में जारी किया गया डायमंड मिंट मार्क वाला कॉइन है। ऐसा आपके पास में ऐसी डिजाइन वाला कॉइन मिल जाता है तो इसकी कीमत आपको 1,28,000 रुपए मिलती है। आपके पास में ऐसा सिक्का है तो ये सिक्का आपको अभी हाथों हाथ मेरे को व्हाट्सएप पर भेजना है, मैं आपको जो मेरे नंबर दे रहा हूं उन नंबर पर भेजना है। अगला गाइज, यहां पर जो आप ये टाइगर वाला नोट देख रहे हैं, आपके पास में ऐसा नोट है
इस नोट में यहाँ पर जो आप ये सीरियल नंबर देख रहे हैं 6 डिजिट के सीरियल नंबर बने हैं। सीरियल नंबर में आपको लिखा देखने को मिलेगा 314367। इसकी जगह अगर आपके पास में कोई 7786 सीरियल नंबर वाला नोट हो गया या फिर सीरियल नंबर के पहले स्टार बना हुआ है तो इसकी कीमत मैं आपको 3,65,000 रुपये दूंगा। अगर आपके पास में सेम ऐसा टाइगर वाला नोट मिल जाता है तो इसके बैक साइड में यहाँ पर आपको वाटरमार्क में अशोक स्तंभ की फोटो देखने को मिलेगी। ऐसे दोस्तों अभी मेरे को 5,00,000 नोट है जो कलेक्शन में चाहिए। आपके पास में ऐसा नोट है या फिर इनके अलावा अगला यहाँ पर जो आप ये नाव वाला नोट देख रहे हैं, आपके पास में ऐसा 10 रुपए का नाव वाला नोट है। यहाँ पर बीच में आपको बोर्ड की फोटो देखने को मिलेगी, इसमें यहाँ पर आपको भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी दोस्तों जो आप ये 6 डिजिट के सीरियल नंबर बने देख रहे हैं, सीरियल नंबर में अगर आपके पास में कोई सुपर फैंसी नंबर वाला नोट हुआ और इसके अलावा यहाँ जो आप ये सिग्नेचर देख रहे हैं एस जगन्नाथन गवर्नर के सिग्नेचर वाला कोई 7786 सीरियल नंबर वाला ऐसा 10 रुपए का आपके पास में बोट वाला नोट हुआ तो उसकी कीमत मैं आपको 2,95,000 रुपए दूंगा। ऐसे दोस्तों अभी मेरे को 2,40,000 नोट है जो कलेक्शन में चाहिए, लेकिन ध्यान रखना एस जगन्नाथन गवर्नर के सिग्नेचर वाला नोट होना चाहिए और 7786 सीरियल नंबर वाला नोट है तो ही इसकी कीमत मैं आपको इतनी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास में ऐसा 5 रुपीज का नोट मिल जाता है, इसमें भी यहाँ पर जो आप ये 6 डिजिट के सीरियल नंबर बने देख रहे हैं, 786 सीरियल नंबर वाला नोट हुआ तो इसकी कीमत आपको 5,00,000 रुपए मिलती है। अगर आपके पास में ऐसा नॉर्मल नोट मिल जाता है, सिंगल 786 सीरियल नंबर वाला नोट है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ सीरियल नंबर के पहले 00 है, बाद में 786 सीरियल नंबर है, इनके अलावा सीरियल नंबर के पहले स्टार मिंट मार्क बना हुआ है, तो दोस्तों उसकी कीमत मैं आपको सच में 5,00,000 रुपए दूंगा। ऐसा आपके पास में नोट है तो भी आप मेरे को भेज सकते हैं। ऐसे प्रेजेंट टाइम में मेरे को 8,00,000 से नोट है जो कलेक्शन में चाहिए, 5 रुपीज के ट्रैक्टर वाले नोट। यहाँ पर दोस्तों जो आप ये बाहर देख रहे हैं इनका नाम निक जॉन्स है। अगर आपके पास में कोई भी 2 रुपीज के टाइगर वाले नोट मिल जाते हैं तो आपको इन बायर को भेजना है। ये है जो अहमदाबाद वाले कॉइन शॉप में है, जो भी प्रेजेंट टाइम में अहमदाबाद में मुद्रा प्रदर्शनी लगी हुई है उन एग्जीबिशन के अंदर है। ये निक जॉन्स बायर है अभी प्रेजेंट टाइम में। अगर आपके पास में ऐसा टाइगर वाला 2 रुपीज का नोट मिल जाता है तो आपको इन बायर से संपर्क करना होगा। इनके भी मैं आपको नंबर दूंगा, इनके नंबर भी आप मेरे से ले सकते हैं, इनसे आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर आपके पास में टाइगर वाला नोट है या फिर 1 रुपीज का आपके पास में 7786 सीरियल नंबर वाला नोट है तो भी दोस्तों आपको इन बायर से ही संपर्क करना है, इनके मैं आपको नंबर दूंगा। अगला दोस्तों यहां पर जो आप ये सिल्वर कॉइंस देख रहे हैं, आपके पास में ऐसा 5 रुपीज का कॉइन मिल जाता है। ये सिक्का 2009 में जारी किया गया डायमंड मिंट मार्क वाला कॉइन है। आपके पास में ऐसा कॉइन हुआ तो इसकी कीमत आपको 2,20,000 रुपए मिलेगी। अगर आप इस सिक्के को SBI को भेजना चाहते हैं तो भी दोस्तों उसकी कीमत आपको 2,20,000 रुपए ही मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना डायमंड मिंट मार्क वाला 2009 में जारी किया गया ऐसा सेम सिल्वर कॉइन है तो इसकी कीमत आपको इतनी मिलेगी। अगला दोस्तों यहाँ जो आप ये कोमेमोरेटिव वाला कॉइन्स देख रहे हैं, आपके पास में ऐसा इंदिरा गांधी वाला कॉइन मिल जाता है। ये सिक्का 1917 और 1984 में जारी किया गया डॉट मिंट मार्क वाला कॉइन है। अगर आपके पास में ऐसा सिक्का है, यहाँ जो आप ये सन के नीचे डायमंड मिंट मार्क बना देख रहे हैं, डॉट मिंट मार्क बना देख रहे हैं, ये सेम 50 पैसे का आपके पास में सिक्का हुआ तो इसकी कीमत मैं आपको 4,28,000 रुपए दूंगा। ये सिक्का भी आपको अभी मेरे को व्हाट्सएप पर भेजना है। ऐसे दोस्तों अभी मेरे को 60,000 कॉइन है जो कलेक्शन में चाहिए। आपके पास में ऐसा कॉइन है या फिर इनके अलावा यहाँ जो आप ये स्टार वाला 1 रुपीज का कॉइन्स देख रहे हैं, यह सिक्का 2005 में जारी किया गया कॉइन है और सन के नीचे आपको स्टार बना देखने को मिलेगा। ऐसा आपके पास में कॉइन हुआ तो इसकी कीमत मैं आपको 2,58,000 रुपए दूंगा। यह सिक्का भी आपको अभी मेरे को व्हाट्सएप पर भेजना होगा। अब दोस्तों आपके पास में जो भी करेंसी है, वीडियो मैंने आपको जो अभी नोट और सिक्के बताए ऐसे आपके पास में करेंसी है तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा। इन नंबर पर आपको अभी कॉन्टेक्ट करके हाथों हाथ मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना होगा। नंबर को नोट करें 9186909871753। इन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, ये मेरे टेलीफोन नंबर है। इन पर अगर आप मेरे से वीडियो कॉल के जरिए बात करना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग में 9 से लेकर 11 बजे के बीच में ही कॉन्टैक्ट करना होगा, इसी टाइम में फ्री रहता हूँ। अगर आप मेरे से वीडियो कॉल के जरिए फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगला आपके पास में ऐसा 1 रुपये का नोट मिल जाता है, स्टार वाला नोट है तो इसकी कीमत मैं आपको 6,32,000 रुपये दूंगा। ऐसा आपके पास में स्टार वाला नोट और इसमें यहाँ पर जो आप ये सिग्नेचर देख रहे हैं एस जगन्नाथन गवर्नर के सिग्नेचर होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास में कोई सुपर फैंसी नंबर नोट है, जैसे कि 7786 सीरियल नंबर वाला नोट है या फिर सीरियल नंबर के पहले 00 है बाद में 786 सीरियल नंबर है तो भी उसकी कीमत मैं आपको 6,32,000 रुपये ही दूंगा। ऐसे भी दोस्तों अभी मेरे पास नोटों की फुल डिमांड आई हुई है। अगर आपके पास में ऐसे नोट है तो अभी मेरे को 9,00,000 नोट कलेक्शन में चाहिए।